क्योंकि धीरे धीरे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, इकलौता डर ये रहता है कि एक बार नीचे जाए और नीचे ही ना रह जाए। आवाज आ रही है? हाँ, तो भाई आवाज आ ही रही होगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, और 7:30 बजे हम भाग जाते हैं जिम के लिए। और जिम के लिए क्यों? क्योंकि हमें करना होता है कार्डियो, और कार्डियो से पहले लेते हैं हम प्री वर्कआउट। तो जिम में तो दिखाने लायक कुछ है नहीं, ट्रेडमिल पे जाएंगे, चढ़ जाएंगे, 500 कैलोरीज बर्न करेंगे और भाग आएंगे। साथ में कुछ छोटी छोटी मसल ट्रेन करते हैं, जैसे कि कभी काफ्स या फिर एप्स। एप्स तो ज़रूर ट्रेन करते हैं, ऑलमोस्ट डेली करते हैं, एक दिन कोर और एक दिन एब्डोमिनल रूटीन, और कभी कभी फोर आर्म्स। हाँ, तो भाई आज हम दोपहर में जा रहे हैं वर्कआउट करने हैं, वो इसलिए क्योंकि आज हमारे ऑफिस ऑफ है। तो इस खुशखबरी को हमने सोचा सबसे पहले तुम्हें बताते हैं। इसी उत्सव पे एक चीज़ और अच्छी होगी, वो ये है कि आज हमें प्री वर्कआउट पीने को मिलेगा। सोच सकते हो हमारी ज़िंदगी में कितनी छोटी छोटी चीज़ों से खुशी आती है, जिसमें से एक है प्री वर्कआउट पीने को मिल रहा है। वरना भाई और दिन जब स्पेशली तुम कैलोरी डेफिसिट पर रहते हो, तब तुम प्री वर्कआउट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी या फिर वो माइंड नहीं मिल रहा होता। एक तरीके से तुम मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं हो रहे होते कि तुम इतना हार्ड वर्कआउट हिट कर पाओगे। उसके लिए प्री वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। चीज़ और अच्छी ये है कि आज जिम में सन्नाटा होगा, 1 बजे के आसपास कोई गाने आने नहीं बज रहे होते हैं। मैं सोच भी रहे हैं, एटलीस्ट ये प्लान तो है अभी के लिए फ़िलहाल, कि हम दोपहर में वर्कआउट सेट कर पाएँ। जो लंच ब्रेक रहता है बेसिकली हमारा, उसमें अगर हम वर्कआउट कर पाते हैं वो सबसे सही चीज़ होगी। आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ, तो भाई इस टाइम पे ऐसा सीन है कि यूट्यूब के लिए हमारे पास कोई भी ब्रांड नहीं है, तो किसी भी ब्रांड के हम मुँह दिखाई नहीं करेंगे, ठीक है? तो तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। हम बस बता दें कि हम प्री वर्कआउट लेते हैं, और उसमें ये सीन आता है कि ऐसा लेते हैं जिसमें चुनूने काटे हैं। हाँ, तो भाई हमने अपनी डेप्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इस टूल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। एक तो इसमें तुम थोड़ा सेफ़ फील करते हो कि ज़्यादा नीचे जाएंगे तो उस पर बैठ जाएंगे, और दूसरा ये भी फायदा रहता है, तुम्हें पता होता है कि तुम कितना नीचे जा रहे हो। तो ये होने वाला पहला सेट, थोड़ा वार्म अप ही लेंगे हल्का हल्का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये वाली मशीन तुम देखोगे, इसमें जो तुम्हारी रॉड रहती है या फिर तुम्हारा जो मोशन होता है वो थोड़ा सा हल्के से एंगल पे होता है, मतलब कि स्लैंट रहता है। तो इसीलिए हम इस तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो तुम्हारे पैर आगे की तरफ रहते हैं और इस तरफ से जा रहे होते हो, तो तुम्हारा क्वाड डोमिनेंट रहता है। वहीं अगर उल्टी तरफ घूम के करेंगे तो तुम्हारा हैमस्ट्रिंग डोमिनेंट रहेगा। Easy 12। तो तुम देखोगे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, तो ये हमारा रेंज ऑफ मोशन है नीचे लाने तक का। और ये देखा जाए नॉर्मल जो तुम्हारी स्क्वाट्स रहती हैं उसकी जो डेप्थ रहती है उससे काफ़ी ज़्यादा सही है। इकलौता डर ये रहता है कि एक बार नीचे जाएं और नीचे ही ना रह जाएं, ऊपर ही ना पाएं। नहीं होगा लग रहा। एक ट्राई और देते हैं बेल्ट के साथ, होता है तो ठीक है वरना जमता भी। भाई हमें नहीं पता डेप्थ कैसी आई, पर लगा कि थोड़ी सी क्लियर थी। अभी चेक करते हैं क्लिप में क्या होता है। अभी क्लिप चेक करिए, हमें लगता है थोड़ा और नीचे जाना चाहिए था। तो दूसरा मोमेंट है ये वी स्क्वाट, ये काफ़ी हद तक हैक स्क्वाट की फीलिंग देता है, पर इसमें एक चीज़ है कि हम इसमें शूज़ नहीं पहनते, नंगे पैर करते हैं।
बेयर फीट में बस ये फ़ायदा हमें लगता है कि हम इसमें ज़्यादा अच्छा मसल कॉन्ट्रेक्शन फील कर पाते हैं, शूज़ में वो मज़ा नहीं आता भाई। और एक समय ऐसा था जब हमें ये मशीन शायद यहाँ की लीस्ट प्रेफरेबल मशीन थी हमारी, और अब ऐसा कोई लेग सेशन नहीं होता जिसमें हम ये करते नहीं हैं। On some Bonnie and Clyde, yeah, she tell me that that body is mine. Shit, I might pull up to your crib with a bottle of wine. All these dudes want my spot, but they can all get in line. They sending DMs, oh, they so annoying. We like to read them, I kinda enjoy it. On some Floyd shit, you never let these boys hit. This girl mix my blood up with some poison. Yeah, that girl fuck me up, I need an antidote. We should grab some lunch, maybe a samurai. What's the most strange thing about this? कि हम अपने स्थान विशेष तक का जोर लगा दे रहे हैं इसमें डेप्थ पे जाने में। जब हम क्लिप में चेक करते हैं तो ऐसा लगता था लग कहीं तो नीचे गए ही नहीं, ऊपर ही रह गए आप। ऐसा लग रहा है कि पार्शियल लैप्स कर रहे हैं। यकीन मानो हमारी डेप्थ अच्छी थी तो कोई डेप्थ सेम नहीं करेगा। तो यही दो मूवमेंट थे हमारे जो क्वाड्स फोकस थे। अब इसके बाद जितने मूवमेंट हम करेंगे वो मोस्टली हैमस्ट्रिंग के लिए होने वाले हैं, जिस पर एक तो ये मशीन करेंगे और दूसरा हैमस्ट्रिंग कर। तो भाई हमारे फ़ोन की बैटरी डाउन होने वाली है तो एक सेट और इसका करेंगे, फिर रिचार्ज इसका चार्जिंग लगाएंगे। और तो भाई ये हमारा आखिरी सेट है, इससे पहले हमने दो सेट और किए थे इसकी बैटरी डाउन होने से पहले। इसकी पोजीशन हो तुम्हारी नीज के ऊपर आए यहाँ पे, मतलब तुम्हारे घुटने के ऊपर की तरफ है, और एज इट इज तुम्हें पीछे की तरफ फेंकना है। फक ये हमारा सेकंड लास्ट मूवमेंट है जो कि है तुम्हारी इनर थाइज़ के लिए। और देखा जाए तुम्हारी जो थाइज़ रहती हैं उसको अगर तुम्हें साइज़ में एक्चुअल देखना हो तो इनर थाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अधिकतर इसको हम स्किप कर जाते हैं, बट जब तुम सामने से अपना पैर खोलते हो तो तुम्हारा मोस्टली पार्ट जो रहता है ऑलमोस्ट 30% तुम्हारा इनर थाई दिखता है, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। टू थ्री फोर फाइव नाइन। अब इसी पे हम करेंगे ग्लूट्स के लिए भी। उसके लिए बस इसको अंदर घुमा दो और उल्टा कर दो। तो ये जो सेशन था हमारा, इसमें तो फिर भी हमने हैमस्ट्रिंग ऐड किए हैं, बट जनरली जो रहता था हमारा ये सीन रहता था कि पहले हम एक सेशन रखते थे क्वाड्स फोकस और दूसरा रखते थे हैमस्ट्रिंग। बट क्योंकि हमारी हैमस्ट्रिंग ज़्यादा वीक है तो हैमस्ट्रिंग को हम पहले सेशन में ऐड करते हैं, और जो दूसरा लेग होता है यानी दूसरा लेग सेशन जो होता है हफ्ते का, उसमें डेडिकेटेड हैमस्ट्रिंग की ज़्यादा ट्रेन करते हैं क्योंकि वही वीक है हमारा। तो भाई सच बताएं तो थोड़ा सा हम सेटिस्फाइड हैं अपनी प्रोग्रेस से, स्पेशली लेग्स में, क्योंकि इस बल्क में हमने जो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है लेग्स को अगर कंसिडर करें तो एक तो काफ्स हैं और दूसरे क्वाड्स हैं। तो क्वाड्स में इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट बल्कि हमारी हो गई कि हमारे हैमस्ट्रिंग थोड़ा वीक लगने लगे हैं, तो इसीलिए हम हैमस्ट्रिंग पे इन दोनों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 30 दिनों के एंड तक
शायद तुम सेपरेशन तो अभी भी विजिबली हम देख सकते हैं, बट जो डेप्थ रहती है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, इतना ही हमें उम्मीद है और शायद यकीन भी है कि हाँ कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है बट ट्राई ज़रूर करेंगे। हाँ तो भाई स्वागत है तुम्हारा फिर से अंकित किचन्स में। तो आज लंच ही होगा बेसिकली, देखा जाए हमारा पोस्ट वर्कआउट जो है वो लंच ही है, और लंच में तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो हमसे, फिश होगी, फिश के साथ 5 egg whites होंगी, आज राइस नहीं है, राइस जाहिर सी बात है आज थोड़ा सरप्राइज वर्कआउट था हमारे लिए। हमने नहीं प्लान किया था कि हम दोपहर में जाएंगे, पर हमने सोचा है कि चलो थोड़ा यूज टू होते हैं, अगर हम दोपहर में शूट करने वाले हैं तो आज जाके देखते हैं कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ पे। और हमें काफ़ी पॉजिटिव लगा, हमें लगा कि शायद वहाँ शूट कर सकते हैं इस टाइम पे। मेन हमें आवाज़ का लग रहा था कि आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, और हमें लगता है काफ़ी सही आवाज़ आई है। बाकी तुम लोग बताना कमेंट में कि कैसी आवाज़ आई। और अभी हमारा जो पोस्ट वर्कआउट होने वाला है या लंच होने वाला है उसमें होगी करीब 300 या 350 ग्राम फिश होगी, रात को कम रखेंगे अभी क्योंकि पोस्ट वर्कआउट में हमारे पास राइस नहीं है तो फिश ज़्यादा कर लेते हैं, और रात को क्योंकि राइस रहेंगे तो तब कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ रहेंगी 5 egg whites, अंडे हमने उबाल के रखे हुए हैं पहले से ही, और बस भाई यही है, और इसमें ये सॉस रहेगी, यही ज़िंदगी है। बस उम्मीद है कि ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी। लेग वर्कआउट तो हमें पता है कि बहुत कम लोग देखते हैं, तो अगर तुमने यहाँ तक देख लिया तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी कल मिलते हैं, और कल फिर से हमारा पुश डे है, तो अभी तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हम पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे हैं। ये स्प्लिट हम चेंज करेंगे क्योंकि धीरे धीरे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है हम एक लेग सेशन रखेंगे, बाकी जो वीक मसल्स हैं जैसे ट्राइसेप्स हमारी वीक है थोड़ी, उसको हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन करेंगे। बाकी क्वाड्स हमारे पहले से स्ट्रांग है तो क्वाड्स को थोड़ा रेस्ट देंगे, हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे अपने रियर डेल्ट पे और चेस्ट पे, तो ये मेन मसल होने वाली हैं आने वाले दिनों में जिन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे बाकी के 30 दिन में। और उम्मीद है कि ये तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं कल के वीडियो में।